हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वेब ऑफ सोशियोलॉजी। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कैसे आप सभी को यूनिवर्सिटी ऑफ वर्धमान वेस्ट बंगाल पीएचडी या फिर एमफिल एडमिशन 2021 के लिए फॉर्म फिलअप करना है। फुल प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप आप सभी को दिखाऊंगा। ओके, अगर आप सभी इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ऑप्शन पर सेट कर दीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियोज़ अगर अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप सभी को नोटिफिकेशंस मिल जाए। ओके, तो फिर चलिए चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट में। जैसे कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, ये द यूनिवर्सिटी ऑफ वर्धमान का ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, देन आप सभी को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। करने के बाद में यहाँ पे देख सकते हैं एक नोटिस अपडेट हो रहा है पीएचडी एंड एमफिल एडमिशन से रिलेटेड, तो सिंपली आप सभी को इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। करने के बाद में कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, देन थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिए। करने के बाद में यहाँ पे नंबर 4 पे देख सकते हैं फिल इन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर साइंस। अगर आप साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते हो तो आप सभी को इस लिंक के थ्रू से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं फिल इन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर आर्ट्स, लॉ, कॉमर्स एक्सेट्रा। अगर आप सभी इनमें से कोई भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो तो आप सभी को इस लिंक के थ्रू से अप्लाई करना है। ओके, और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप सभी को बता देता हूँ, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने से पहले आप सभी को एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा। ओके, या फिर नंबर 3 पे देख सकते हैं पे एप्लीकेशन फ़ी। इस लिंक के थ्रू से आप सभी को एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करना है सबसे पहले। और कैसे पेमेंट करना है इसके बारे में अगर जानना चाहते हो तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वीडियो चेकआउट कर लीजिएगा। ओके, क्योंकि मैं आर्ट्स के लिए अप्लाई करूंगा तो सिंपली मैं इस लिंक पे क्लिक करूंगा। तो फिर चलिए देखते हैं। जैसे कि देख सकते हैं आप सभी, नेक्स्ट पेज ओपन हो चुका है एप्लीकेशन फॉर्म का। तो फिर चलिए फिलअप करते हैं। यहाँ पे आप सभी को ईमेल आईडी डाल देना है, देन यहाँ पे स्टेट बैंक कलेक्ट रेफरेंस नंबर। पेमेंट करने के बाद एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, वो नंबर आप सभी को यहाँ पे डाल देना है। ओके, देन यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेना है, कौन से डेट में आप सभी ने पेमेंट किया था। ओके, देन यहाँ पे देख सकते हैं अपलोड द स्कैन कॉपी ऑफ द ई रिसिप्ट। जो ई रिसिप्ट आप सभी को मिला है पेमेंट करने के बाद में, उसको आप सभी को इस यहाँ पे अपलोड कर देना है। ओके, इस तरीके से आप सभी सेलेक्ट करके अपलोड कर दीजिएगा। देन यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाइंग फॉर, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, एमफिल, पीएचडी, बोथ एमफिल एंड पीएचडी, एंड और एक ऑप्शन है यहाँ पे स्टेट फंडेड फेलोशिप फॉर एग्जिस्टिंग पीएचडी कैंडिडेट्स। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स कर रहे थे इस ऑप्शन को लेके, मैं आप सभी को बता देता हूँ ये सिर्फ एग्जिस्टिंग पीएचडी कैंडिडेट्स के लिए है। ओके, अगर आप न्यू या फिर फ्रेशर्स पीएचडी कैंडिडेट्स हो तो ये ऑप्शन आप सभी के लिए नहीं है। सिंपली आप सभी को एमफिल या फिर पीएचडी जिसके लिए भी आप अप्लाई करेंगे उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। ओके, तो मैं बोथ एमफिल एंड पीएचडी सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं वेदर अप्लाइंग फॉर स्टेट फंडेड फेलोशिप ओनली फॉर न्यू और फ्रेशर्स पीएचडी एप्लीकेंट। ये आप सभी के लिए है। ओके, जितने भी न्यू और फ्रेशर पीएचडी एप्लीकेंट्स है वो सभी ये ऑप्शन को यस कर सकते हैं, अगर आप स्टेट फंडेड फेलोशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो। देन नेक्स्ट यहाँ पे एप्लीकेंट नेम यहाँ पे डाल देना है आपका नाम, देन यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दीजिए, देन यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दीजिए, देन यहाँ से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिए। ओके, देन यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, देन मैरिटल स्टेटस, उसके बाद में यहाँ पे कास्ट सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप एससी एसटी या फिर ओबीसी कैंडिडेट्स हो तो आप सभी को कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, यहाँ से रिलीजन सेलेक्ट कर लीजिए, देन वेदर डिफरेंटली एबल, अगर आप हो तो यस कर दीजिए वरना नो कर दीजिए। यहाँ पे फादर्स और गार्जियन नेम यहाँ पे डाल दीजिए, देन मदर्स नेम, देन यहाँ पे फुल एड्रेस डाल दीजिए आपका। ओके, देन यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, देन यहाँ पे पिन कोड डाल दीजिए,
देन यहाँ से एनुअल फैमिली इनकम आप सभी को सिलेक्ट कर लेना है। ओके करने के बाद में सिंपली इस नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। देन नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे आप सभी को एकेडमिक क्वालिफिकेशन फिलअप करना है। ओके तो फिर चलिए फिलअप करते हैं। यहाँ पे आप सभी को नेम ऑफ द बोर्ड देना है, एमपी या फिर क्लास 10 स्टैंडर्ड का। ओके कौन से बोर्ड से आप सभी ने क्लास 10 एग्जामिनेशन पास किया है, देन यहाँ पे पासिंग ईयर देना है, कौन से ईयर में आप सभी ने क्लास 10 एग्जामिनेशन पास किया है। देन यहाँ पे परसेंटेज डाल देना है। ओके इस फॉर्मेट में देन यहाँ पे नेम ऑफ द बोर्ड और काउंसिल एचएस और 12 स्टैंडर्ड, यहाँ पे 12 स्टैंडर्ड का बोर्ड मेंशन करना है। ओके कौन से बोर्ड से आप सभी ने क्लास 12 एग्जामिनेशन पास आउट किया है। देन यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग क्लास 12 का, देन यहाँ पे परसेंटेज क्लास 12 का। ओके कितना परसेंटेज आप सभी को मिला है। देन यहाँ पे नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी बैचलर डिग्री, आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री किया है वो यूनिवर्सिटी का यहाँ पे नाम दे देना है। देन यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर, ओके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है यूनिवर्सिटी का। देन यहाँ पे परसेंटेज डाल देना है बैचलर डिग्री का। ओके देन यहाँ पे देख सकते हैं नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी मास्टर्स डिग्री, आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स डिग्री किया है वो यहाँ पे मेंशन करना है। ओके देन यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर, मास्टर्स डिग्री, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है मास्टर्स डिग्री का, जो कि मार्कशीट में भी मिल जाएगा। ओके नेम ऑफ द सब्जेक्ट मास्टर डिग्री, आपने कौन से सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री कंप्लीट किया वो सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन कर देना है। ओके यहाँ पे परसेंटेज मेंशन कर देना है मास्टर्स डिग्री का, कितना परसेंटेज आप सभी को मिला था। देन यहाँ पे देख सकते हैं वेदर कंप्लीटेड एमफिल विद कोर्स वर्क, अगर आपने किया है तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं वेदर क्वालिफाइड यूजीसी नेट इंक्लूडिंग जेआरएफ और सेट और स्लेट, अगर आपने किया है तो ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। ओके जैसे कि मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन यहाँ पे देख सकते हो वेदर इम्प्लॉयड और नोट, अगर आप हो तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। करने के बाद में सिंपली आप सभी को नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ओके देन नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से आप सभी को सब्जेक्ट चूज कर लेना है। ओके जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, आप सभी अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। ओके करने के बाद में नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे कि देख सकते हैं नेक्स्ट पेज ओपन हो चुका है, तो सिंपली आप सभी को इसको भी फिलअप कर देना है। ओके यहाँ पे आप सभी को बैंक डिटेल्स डालना है, नेम ऑफ द बैंक यहाँ पे डाल दीजिए। देन यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल दीजिए, देन यहाँ पे आईएफएससी कोड डाल दीजिए। ओके डालने के बाद में इस नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पेज ओपन हो चुका है, जैसे कि देख सकते हैं, तो सिंपली आप सभी को डिक्लेरेशन पेज को फिलअप करना है। ओके आप सभी को यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है। ओके देन यहाँ पे अपलोड स्कैन सिग्नेचर, आप सभी का सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना है। करने के बाद में यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे डिक्लेरेशन दिया गया है, इसको रीड आउट कर लीजिए। देन यहाँ पे देख सकते हैं ए कॉपी ऑफ योर रिस्पॉन्सेस विल बी ईमेल टू द एड्रेस यू प्रोवाइडेड, आपने जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है आप सभी को उस इंफॉर्मेशन का कॉन्फर्मेशन मिल जाएगा ईमेल आईडी के थ्रू से। ओके आप सभी को एक ईमेल भेजा जाएगा। ओके देन सब कुछ चेकआउट करके यहाँ पे फाइनल सबमिट आप सभी को कर देना है। ओके सबमिट करने के बाद में नेक्स्ट पेज ओपन, जैसे कि देख सकते हैं कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा। यहाँ पे देख सकते हैं योर रिस्पॉन्सेस हैज बीन रिकॉर्डेड, आपने जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है वो रिकॉर्ड कर लिया गया है। ओके अगर आप सभी कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं या फिर एडिट करना चाहते हैं तो आप सभी कर सकते हैं यहाँ पे एडिट योर रिस्पॉन्स ऑप्शन पे क्लिक करके। ओके
तो फिर चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।